अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकान हैं, पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। देखिए भाई, माहौल हरियाणा और पंजाब में इतना गर्म है कि उसके ऊपर तवे तभी गर्म है, रोटी टेक दे तो रोटी सेक जा, इतना ताता हो रहा है। नून तो उनके दीदे लाल है और उड़ान तो सरकार के दीदे लाल है। हरियाणवी भाषा में है, सीधी बात आप समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ फार्मर प्रोटेस्ट यानी कि किसान आंदोलन की। और इसी बीच में जैसा टाइटल वैसा काम मैंने बताया है, किसान आंदोलन के बीच में SYL को बीच में घुसोड़ने वाले लोग यो बैठा। हमारा साथ जुड़ गया है नवीन जैन। मैं नेता या अभिनेता कुछ नहीं कहूंगा, सीधे तौर पर नाम लेंगे नवीन जैन। नवीन भाई राम राम। देखो राम राम भाई, सारे राम राम। मैंने एक बात बोली, हाल फिलहाल चल रहा है किसान आंदोलन, बॉर्डर पर बैठे हैं हरियाणा पंजाब के जितने ये बॉर्डर लगे हैं भी भरे पड़े हैं किसानों के, हरियाणा के किसान भी हैं, पंजाब के किसान भी हैं। और आपने आज एक और नया वो कर दिया कि मैं आज SYL के लिए निकलूंगा। भाई साहब, पहली बात मेरे भाई पवन ने, किसान आंदोलन जो हो रहा है ना, उसका हमने सबसे पहले सपोर्ट करा था। जैसे ही स्टार्ट करा था आपके किसान नेता पिछली राकेश, बार वाला अरे या एक हुआ? मिनट, पिछली बार वाला भी करा था, ये वाला भी। सुनो, आपके राकेश टिकैत जो किसान नेता है वो तत्काल बोल रहे हैं, 5 दिन पाछे, गुरुनाम चुडूनी साहब 5 दिन पाछे बोल रहे हैं। पहले ही दिन हमने कहा था किसानों की जो मांग है उनका समाधान सरकार करे, सरकार को बात करनी चाहिए। इमनू कहे हो तो बोला SYL बीच में घुसेड़ दी। बीच में क्या घुसेड़ दी? अक्टूबर 2023 ध्यान से सुन मेरे भाई, उसमें फैसला आया संवैधानिक पीठ का। फैसला तो 20 साल पहले भी आया था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन संवैधानिक पीठ का लास्ट फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई या तो पंजाब सरकार SYL नहर का निर्माण कराओ, नहीं तो फिर केंद्र कराओ, नहीं तो फिर हम खुद कराओगे। इतनी बड़ी टिप्पणी कभी नहीं आई थी। और बात न्याय की और हक की है तो किसान हरियाणा में कौन है गे? 10 लाख एकड़ जो जमीन बंजर पड़ी है, जिसके जाग देखो, जिसके किले में पानी को ना, उन तक जाग पूछो, जाग पूछो। 70% मैंने कह रहा, 70% हरियाणा जो रीला पानी पीने ला रहा, 20 साल की बीमारी हो रही बात मोखरे की। अपने मोखरे गांव का TDS चेक करा लिए और अपने मोखरे गांव में देख ले क्या डाल की बीमारी है। पहलवान ना गांव है मोखरा तो, और उड़े जागे इन देख ले कितने डाल की बीमारी है। मैं किसान आंदोलन में गया था, पिछले में भी था और अब की बार भी मैं खनोरी पटियाला जो बॉर्डर है वहां गया। मैंने काफी वीडियो वायरल भी करी है वहां की। तो मैंने वहां जो बैठे हैं हमारे भाई किसान है, किसान हाँ भाई के है, कोई चाहता तो है, प्रॉब्लम है। अपने भाई बैठे हैं, तो उनसे मैं बीच बीच में मैंने एक सवाल कराया कि भाई पिछली बार जब आप लोग आए, आपके हम सारे हम हाँ, सब लड़े मैं साथ तो हम लिया साथ था। थे, हम भी साथ थे, पर्सनली जो माइक ठीक में बात है है। ना वो भी साथ थे हाँ और अब भी साथ हैं। हाँ लेकिन इसी बीच में हमारा भी एक दुखड़ा है थोड़ा हाँ सा, SYL हाँ एक यो जो नाम है ना, ये जब भी कोई प्रोटेस्ट हम करा हाँ तो बीच में यो खटके है, जबकि हमने सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हमारा हक दे दिया, जाओ भाई हाँ ऑर्डर फाइनल है, फाइनल आपका हिस्सा है। है। हाँ आप लोग एक बार भी कोई टिप्पणी भी नहीं करते हाँ कि भाई हम फार्मर प्रोटेस्ट पर लड़ना रहे, हाँ यो भी फार्मर प्रोटेस्ट है, हाँ फार्मर है यो और भी क्या है। फार्मर प्रोटेस्ट है, यो भी किसानों के लिए है, यो भी। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो पानी है ना, ये तो एक तो है मान ले इंडस्ट्रीज एरिया के लिए, चलो मैंने भी इसका भी जवाब दिया उनको, मैं भाई मान ले इंडस्ट्रीज एरिया के लिए है, तारीफ मान ली, जब हमारे किसानों के हिस्से का पानी इंडस्ट्रीज को मिल रहा है, SYL में जो पानी इंडस्ट्रीज को चला जाएगा यो बच गया, यो हमारा था जाएगा, और हम तो अपना मांगे हैं। सरकार की साइड लेकिन बनने हमने, लगे हम हैं तो सारा दिन सरकार के खिलाफ बोलने ये आदमी ना है। ना, एक भाई भी बोल गया ना, तेरा अपने हक की बात कर दी। तो एक नए ढाल का भाईचारा आया है, अक ना हमारा अक में सखा लो। तो पहले वो जो नया भाईचारा आया है ना, वो भाई भाई है, जो बड़े भाई का मतलब है ना, छोटे ने ज्यादा देना। और जो ये नया भाईचारा आया ना, पहले अपना जो सगा भाई होगा ना, थारा हक होगा ना कि मैं उसने पहले सारा दे उस पर, और फिर यह बात बोलो। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा, मन ने ये कही भाई, एक बात आओ, पंडेर साहब है, श्रवण सिंह पंडेर साहब ने, एक आपने देखा होगा उस दिन दिया मीडिया के सामने, कि उस हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि इस पर ये होना चाहिए। अरे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भाई, भाई हमनु कहते हो ना थारा जो आंदोलन है गलत है, हमनु कहते हो अगर भाई तुम गलत मांग कर रहे हो, फिर तो तुम नुको इस बात ने। यार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, हम तो डिसीजन, सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो कभी पहले दिन भाई सपोर्ट करा, मैंने कहा दूध पियाओगे भाई, अर के पिछली बार खवाया कौन है, दूध के पिया कौन है, दूध के खीर खा लो से, बोल लो तो यार कम से कम।
भगवत मान साहब कह रहे हैं, केजरीवाल साहब कह रहे हैं बहुत बढ़िया आयो। अरे बढ़िया इस वाइल पे तो बोले, इस वाइल पे जी बलकवा लग जा है, ठीक है साहब बोलता गा ना, चुडून साहब बोलता गा ना, मुख्यमंत्री खट्टर साहब है, उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है, उन्हें कहना चाहिए ना भाई इस वाइल पे बताओ, विपक्ष का नेता हुड्डा साहब है, भूपेंद्र हुड्डा साहब है, बोलना चाहिए नहीं, 90 विधायक हैं, 15 सांसद, कोई बोलता है कोई ना, कौन सी राजनीति है? ये चीजें मैंने देखी हैं यार, अधूरी है। जो अब जो चल रहा है ना, वो किस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है वो मेरे खुद भी कुछ समझ में, एमएसपी का रोला बता रही है, एमएसपी की गारंटी दो, लिखित में स्वामीनाथन आयोग के तहत एमएसपी की लिखित में गारंटी दो, सही है भाई देनी भी चाहिए, सभी फसलों के ऊपर एमएसपी हमने मिलनी चाहिए, चाहे वो हरियाणा का किसान है, देश का किसी का भी किसान है। हालांकि गद्दार वे हैं जो एसवाईएल के खिलाफ बोल रहे हैं, हरियाणा के गद्दार कौन है जो एसवाईएल के खिलाफ बोल रहे हैं, जो न्याय की और हक की बात नहीं कर सकता, वो क्या पंचायती रहे, क्या नेता वो, चाहे मैं हूं चाहे तू हो कोई हो, और कुछ तो इसे है नुगा, हमने नहीं चाहिए पानी, तुमने ना चाहिए, कौन सी बिरादरी ना चाहिए भाई, हरियाणा में समता पालतू जाट है, जाटा नहीं चाहिए, जाके उन माँ बहन बेटिया जाके पूछो जो पानी लेकर आए हैं, बामणा नीचे गए, पंजाबिया नीचे गए, मतलब यादवान नीचे, गुजरा ने, ठाकरा ने, कौन सी बिरादरी है, SC BC कौन सी बिरादरी सी है जिसने नीचे पानी है, अरे किसा का होगा, ठीक है ज्यादा किसा की जमीन होगी, बुढ़ा बढ़िया पानी होगा, जिनकी कौन है वह, और जिनका पीड़न नहीं, ये भी है मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं, गर्मी आएगी सारी पोलिटिकल पार्टी, क्यों करोगे तुम मटका फोड़ प्रदर्शन है? मैं एक एक मुख्यमंत्री ने बुला लिया उस दिन, हम अपने डिमांड लेके जा रहे हैं, कोई मैं उड़ा पर्सनली उसमें बोला तो मुख्यमंत्री, अरे मैं ध्यान हो मन कभी इस वायल के बारे में, मैं एक पार्टी में रहा, हर बार एक ही सवाल होता था, जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन करेगा वो माना, अक्टूबर में, अक्टूबर से पहले मैंने इस वायल का नाम लिया हो तो बताओ, अक्टूबर में जब डिसीजन आया तो 4 महीने तक थोड़ा लग रहे हैं यार, न्यू थोड़ी अगीब किसान आंदोलन शुरू हो गया, मैं जब कहूँ मैंने बोला ये भी किसान है, 10 लाख एकड़ जमीन थोड़ी देती हुई ना भाई, अगर जब मान ले 10 लाख एकड़ जमीन की बात करें तो गांव गले मेरे ख्याल 200-300 किले मान के चलो एक्स्ट्रा जित पानी की कमी से जहर था मुख्यमंत्री के पास में आप नहीं गए, बल्कि सुनने में आया कि आपको बुलाया गया है और नीचे ही नीचे आप भाजपाई हो, नीचे नीचे सुरंग खोद रखी है, मैंने नीचे सुरंग में गया हूँ, मैं सुरंग में खोद गया पूरी, मतलब जनी चोर वाली सुरंग मेरे दो हड़के आड़े तो है, मतलब मैं टेंट में बैठा हूँ, ये थोड़े दिन पहले तो था मैं मतलब कांग्रेसी, जब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुद्दे उठावे तो कांग्रेसी, मुख्यमंत्री तो एक दिन मिल लिया तो मैं हो गया भाजपा ही। अब एक बात बताओ मेरे तय कोई भी मिल रहा है भाई, तू मिल रहा है और कोई मिल रहा है, मतलब छह भाई भूपेंद्र हुड्डा साहब तक मिल लिया तो मैं कांग्रेसी हो गया, दीपेंद्र तक भी मिल लू, मतलब अरविंद शर्मा, रमेश कौशिक या नरे जो भी सांसद है, कोई कितने आयोजन में मिल जाए, कोई कितने मिल जाए, अरे डिमांड था ये नौकरी ही बात की, मैंने कही बोला और जो तू तो भंडारा कराओगे भंडारा 50,000 नौकरी लगवा दे, मतलब मुख्यमंत्री का क्या कहूं, मतलब मुख्यमंत्री भी नहीं कही है, मैंने हमने कोई नू थोड़ी कोई अगर उड़ा 20 मुद्दे पे बुलाए गए थे हम 2 महीने पहले टाइम मांगा था, 1 महीना हो गया हुआ, अरे जी हमने मिलना है, उस दिन भी हमारे को तो नजरबंद कर रखा था, बंद कर रखा था, मुख्यमंत्री साहब हटा रहे थे और मार दो एकदम फोन आया भाई आ जाओ मिलने भाई, जाकर हमने तो बता दी कि ये डिमांड है, चेपरा वर्गी जमीन का मामला था इस पे ग्रांट दे दे, चाहे मतलब कर्मचारियों का था, चाहे पुलिस वाला का था, इस पे भी था, किसाना पे भी, वही किसाना ही जो समस्या है, सोयल पे भी था, अक्सीम साहब आप क्यों नहीं बोलते, मैं उस न्यू क्या गया, आपकी भी तो जिम्मेदारी है, चलो एक एक चीज पे बोलेंगे, सबसे पहले परावर जमीन का जो मामला, सबसे पहले मैंने कही थी भर्ती जो 50,000 आपने कही थी जब हमने बेरोजगारी बरात का दी थी, तो 50,000 भर्ती कद करोगे, तो क्या जवाब आया, तो नो बोला करूंगा अपने भंडारे की तैयारी करे, तैयारी है कोई प्रॉब्लम नहीं कर दो, फिर एक बल्ले बल्ले काट दे दी, मगर काट दी नहीं, ले काटे जाओ चाहे तुम 1 लाख के 5 लाख काट दो, भर्ती कर दो, और भर्ती कर दे 50,000 मैं भंडारा कर दूंगा, मैं तो एक लेगी तो बात है ना यार, एक बरादरी के लागे को ना 50,000 बालक लागेंगे तो 1 लाख ब्याह होंगे, 1 लाख ब्याह भी होंगे घर बसेंगे लोग आएंगे, चलो उसके बाद परावर जमीन पे क्या जवाब आया, परावर जमीन पे बोले भाई एक पैसे तुम भी इकट्ठे कर लो, बोले अपनी संस्था पैसे इकट्ठे करो तम करके बता दो, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो तो जमीन तो दे रखी है, जमीन पाई जमीन पर डेवलपमेंट की बात थी, चलो ठीक है। उसके बाद आपने जिक्र कराया मैंने उसमें एक फार्मर प्रोटेस्ट पे, किस पे, हाँ मगर इस वाइल पे तो बोला भाई फार्मर प्रोटेस्ट पे किसान जो बैठे हां अजीन की बोला भाई ये मामला जो है ये मेरा तो है नहीं, सेंटर का है, एस वाइल की बात हुई, बोला एस वाइल का भाई हम अपनी ओर तो कह रहे हैं, बाकी बोला तेरे डिब्बी है वे नट्टे हैं, माजी इसमें डिब्बी डब्बी कोई मामला ना है,
मुद्दे की बात है डिब्बिया नहीं, आपका डिब्बी का मामला मतलब ये कि आप आम आदमी पार्टी में थे। हाँ, उन्होंने यही कहा भी ये तो आपके डिब्बी है, अपने डिब्बिया रखे है, मैं मेरे डब्बी डब्बी बात मुद्दे की डब्बिया ही नहीं है। बात तो सी गई है, वो कही उन्होंने जो कही जो बात करू, मैं एक अलग आदमी था नहीं अरुड़ा और इतने आदमी बैठे थे, तो कोई भाई एकला होता मैं कोई बात किसी बात ने छुपा भी लू तो एकला भाई फिर वो फिर थोड़े डबिया जैसे फिर जैसे पुलिस वाले थे, पुलिस वाला की डिमांड थी उसकी भी मैंने मंगा जी आपने घोषणा करा के लागू कर दो, गौवा की थी फिर गौवा की ने बोला भाई हम कर रहे हैं, मतलब मंगा जी गौ माता मर रहे बेचारी रोड़ा फार्मर प्रोटेस्ट पे क्या बात कही उन्होंने, उन पर ये बोले ये मैं किसी भी आंदोलन के खिलाफ नहीं करो, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है शांतिपूर्ण आंदोलन के, और मेरी मांग नहीं है, मेरा काम है कानून व्यवस्था। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछ लेता हूँ, देखो ये जो देश है ना यो नूतस है, ये तो प्रांत बना रखे है, यो पंजाब है, यो हरियाणा है, यो राजस्थान है, यो उत्तर प्रदेश है, यो हिमाचल प्रदेश है, क्या पंजाब के किसान यहाँ आकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? क्या पंजाब के किसान दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? वो दीवार क्यों खींची आपने? खुद कही मैंने तो यह बात खुद कही, मैं तो आंदोलनों का फेवर का आदमी हूँ यार, मैं तो कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, मेरी बात सुन ले भाई पवन, मैं तो ये कहता हूँ जब तक सड़क पर लोग नहीं आओगे दिखेंगे, वो कोई मुद्दे से सहमत हो ना हो एक अलग बात है, सरकारें तो ताना छा जाएंगी। कल मैंने एक वीडियो देखी, वीडियो देख के मैं बड़ा हैरान हो गया, तो एक आदमी जो है वो फार्मर प्रोटेस्ट के समर्थन में कितनी बड़ी बात कहने लग रहा है कि ये जो पंजाब से जो ये किसान साथी आए है ना, अब इनको दिल्ली नहीं घुसने दिया जा रहा, बॉर्डर तक नहीं आने दिया जा रहा, हरियाणा ने वहां रोक ली, तो इनको तो ऐसा लग रहा है, मतलब वो चीजें मेरे को पिंच कर गई कि इनको तो ऐसा लगेगा कि हमारा तो पाकिस्तान नजदीक है, फिर हम तो लाहौर नजदीक है, ये फेरी साजिश ने लाहौर जाना चला जाओ यार, ये कोई बात थोड़ी है, आंदोलन आ रहा, आंदोलन में लट भी लग गया है, जेल भी हो रहा है, आंदोलन में आदमी मर भी जा रहा है, मारा ये थोड़े लट लग रहे हैं, दुनिया भर के लट लग रहे, दुनिया भर के केस भुगतना है, मतलब रोका अरे वे अगले रोकने लग रहे, तुम अपना अगले तोड़ने का प्रयास करो, मैं कह लग रहा है इस वाइल पर हाँ भरो हरियाणा वाले तोड़ देंगे, हरियाणा वाले तोड़ के लिया उन्हें, ये एक बात कह रहे हैं। अब ये चीजें सामने आई है कि भाई अभी फिलहाल एमएसपी का जो ये मैटर है ना, स्वामीनाथन आनंद के जो इसके तहत जो लिखित में लेना है, फिलहाल इस पर लड़ाई लड़ लिया, हाँ फिर बैठ के किसान बहुत छाने भाई, मतलब एक न्यू कैंड में न्यू तक चल न्यू कवा दे भाई, ठीक है हम अगला आंदोलन इस वाइल पर करें कवा दे, नहीं मैं तो किसान मुंह तक कवा दे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है यार, मेरा थोड़ी ऑर्डर है, अच्छी बात करना है, न्याय की हक की बात हो अगर नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी उन्होंने एक जवाब दिया, आम आम जो किसान आ रहे हैं ना हमारी तो उन तक पहुंच है, नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं यार, आम किसान को देना चाहूंगा, आम किसानों ने एक बात कही है, मतलब मैंने सीधे तौर पर बात कही है, वो तो वीडियो पड़ी है, मैं क्या कहूँ, उन्होंने ये कहा कि इसमें मारा को मामला है कौन है सरकारें ही कर रही है, तो सरकारें कर रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, मैं निवेद कह रहा हूँ उनको, जब ये भी तो सरकार कर रही है एमएसपी, तो सरकार ने देना है ना, जब हम नु कहने लग रहे हैं एमएसपी मिलना चाहिए, तो उनको ये कहने में क्या समस्या है, एसवाइल मिलना चाहिए, एसवाइल निर्माण होना चाहिए, एमएसपी का जो मामला है ना यो नवीन भाई को आज का तो है नहीं, आज का घनी पुरानी जंग चल रही है यार, जब इस देश पे कांग्रेस का राज था, मतलब उनकी सत्ता थी उस टाइम पे भी ये इस तरह का एक ये बातें उठी थी, तो उस टाइम पे कांग्रेस ने नहीं 1% भी इसको मतलब लिखित तो कर रखा होता यार, फिर क्या नहीं कर, लेकिन अब जो है राहुल गांधी जी जो है वो खुल के एमएसपी का समर्थन करने लग रहे हैं, यानी कि उसने नहीं कर, राजनीति है यार, राजनीति है यार, सब कुछ दो गला सिस्टम है, खुद सीधी बात है सरकार में हो तो फिर दूसरा ने प्रदर्शन करना हो है, वे है तो उन्हें करना पड़ेगा, इतनी हुई चल रहा है, ये राजनीति है, लेकिन मैं जो एसवाईएल का इशू है वो राजनीतिक नहीं है, वो न्यायिक है, वो राजनीतिक इशू नहीं है, वो न्यायिक इशू है, सुप्रीम कोर्ट 2023 अक्टूबर में फैसला दे चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट तो ठाडा कौन सा है, न्याय का मंदिर तो वो ही गया ना भाई। अच्छा एक बात और कर लेते हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट पे कर ले हैं कि मान ले सेंट्रल गवर्नमेंट में तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है लेकिन पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की है, क्या कोई राज्य सरकार अपने हाँ देश के अपने व्यूअर पे अपने मतलब प्रांत को अपने राज्य को अपने स्टेट को इस तरह की कोई सुविधा लिखी तो मैं हम तो देंगे, हाँ देश का है बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर रही है, लगना ये बनाया जाएगा उस तो पूछो, अरे ये तो मेरे ख्याल में ना एक मिनट पा भी जाता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक बार, एक नॉर्मल ही बात है यार, की है देखिए कद का है वो 2020 का, ये है
राजा साहिब पंजाब के किसानों को धोखा मत दीजिए। अगर आप किसानों को असली भला चाहते हो तो एक MSP कानून पास करो कि केंद्र सरकार जितनी फसल MSP पे नहीं उठाएगी वो फसल पंजाब सरकार MSP पे उठाएगी। तो यो टमाटर होगा ना? बिल्कुल है? अरविंद केजरीवाल जी का है ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल जी का स्वयं का किया हुआ ट्वीट है। आप देख सको, आप देख सको भाई। तो केंद्र सरकार इतने ना देती है, मैं स्टेट अपने दे दूं, क्या प्रॉब्लम है? कौन किसी बॉर्डर पे गए हो अब तक? मैं तो कल गया, कल देखा। कौन से वाले गए? ये अपना कौन सा जिंदाला कनौरी पटियाला थोड़े गए, और अलग अलग जगह जित किसान बैठे थे, तो एक जगह था एक सॉइल का ले रहा था बोर्ड पहले किसान ने बोला यार मैं न्यू ना लाता, मैं वो पूछने लगे, वो बात करने लगे, मैं कहा सॉइल नहीं चाहिए के जिंदाले हो नला चाहिए पानी है क्या, मैं ना है नला ना कोई ना, तो भाई फिर ये भी तो किसान है। अरे तो पीने का यार पीने का तो दे दो ना जी, खेती वाती तो पाछा भी हो जाएगी ना, खा कमा लेंगे, मांग के नुकार खा लेंगे, और कितना ताजा का पीने का पानी तो देना चाहिए, पानी तो पतला क्या है, पानी का जनवाजा के SYL पे बोल नहीं सकता है। तो मैं क्या फिर इसका मतलब लोकतंत्र क्या का लोकतंत्र वहाँ भी नहीं है, थोड़ा सा क्या लोकतंत्र है? SYL पे बोलना सबके बस की बात है, हम बोलना एक बात है जो को बोलता है नहीं, पक्ष विपक्ष को किसान नेता नहीं बोलता, इसका समझ लेना की चाहो इसका मतलब वोट की राजनीति की चाहो, चंदा चाहिए और क्या चाहिए, की चाहिए हरियाणा तो गद्दारी रहे रहे रो, हम तो बोल रहे मारा कर लियो जिसने जो करना जी। तो भाई हमारे साथ जुड़ गया था भाई नवीन, जय हिंद। और सीधी बात हुई है, जब नवीन जैन जी मुख्यमंत्री के पास गए थे के बात हुई थी भाई, साहब ने तो बताई है क्लियर भाई, ये बात हुई थी और इनके ऊपर बात हुई थी, लेकिन बात हुई थी, बातों से आगे कुछ नहीं हुआ। और भाई वो तो देखो आज मैं कति खुल के कहने लग रहा हूँ, आप लोग कहने लग रहे हो कि भाई मुख्यमंत्री की गोदी में जाकर बैठ गया नवीन जैन, तो भाई गोदी उड़े है आज कम है, थोड़े दिन पास बेरा पाट जाएगा, ये तो वो बाढ़। अरे एक बात मेरा एक पवन एक बात और बता, वे आदमी बोल रहे हैं बोला राजनीति कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी में तो नहीं हो रही, किसी में नहीं हूँ। अगर पूरी कांग्रेस ने पिछले 9 साल में मेरे जितने प्रोटेस्ट करे हो, मेरे जितने किसान कांग्रेस वह तक हूँ, थोड़े दिन पहले कांग्रेस था, फाइनली जिस दिन फिर हम मुख्यमंत्री के खिलाफ उठाओगे फिर किसके हो गए भाई, तो यार ये तो कहनी फाइनली जाओगे कि तो भाई साहब भाईचारा बताओगा भोलेनाथ के मायने रखा है आपके लिए, पैसा पैसा मांगना कुर्सी, पैसा कुर्सी सुन ले टिकट यार दे रखी है, टिकट मैंने फ्री में दे रखी है, कोई नहीं कह मेरे 10 रुपये लिए हैं टिकट बैठ रखी है। ये यार ये अच्छी बात है, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री था, पहले भी तो मुख्यमंत्री था, केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, भगवान मुख्यमंत्री। अब सही बताइए कति क्लियर सी बात, अब वापसी अगर करना चाहो आप आम आदमी पार्टी में तो रास्ते कितने खुले? मुन्ने यार क्या के रास्ते जाना ही नहीं हुआ, बोला के पूछना अच्छी बात कर रहे हैं, जब कोई चीज मैं डिसाइड नहीं कर रहा अभी तो उसके बारे में क्या बात करूं, जब कोई डिसाइड करूंगा तो पवन भाई ने बुलाऊंगा, पवन भाई ने बुलाकर बताऊंगा दिखाऊंगा ये है मेरा, तो एक ही काम है, मैं एक के बात बया, अगर आप सरकार में हो तो लोगों की सेवा करो क्योंकि आपके पास पावर है, अगर आप सरकार में नहीं हो विपक्ष में हो तो सीधी बात है आप फिर एक मिनट दूसरा हो एक मिनट वो लो और दूसरे हो, हाँ लिया यहाँ ये रहा, ये देखो ये गलत तो नहीं है, इसमें क्या गलत करता हूँ? SYL का पानी लाओ, 1,00,000 रुपये इनाम पाओ, किसान नेता राकेश टिकैत जी के लिए स्पेशल है भाई, चरला भी पढ़ दे भाई, किसानों के साथ हम MSP देखो भाई वो बात से ऊपर तो नाम नाम बदला गया है, CM भगवत मान जी 1,00,000 रुपये आपके आपके लिए भी है और MSP पर किसानों के साथ हम है, सीधी बात है, कोई गलत नहीं है ना, कोई गलत और की तरह सारे पर भी है, यो ताऊ खट्टर है भाई और कौन सा रह गया भाई, खातर भी भाई ये देख लो, हमने कोई भेदभाव की सगला ना रख रखा यार, अपनी ओढ़ता हमने सबके इनाम दे रखे हैं, अरे भाई किसी ने फिर भी नहीं लगता हो ये ले एक, हमको भेदभाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री साहब है इनका भी है। ये देख लो भाई इनका हाथ में भी है पानी, तो ये ले रहे हैं, तो बंदा ये ला रहे हैं, देख लो तो भाई कोई गलत बात है नहीं। तो भाई ईब वीडियो को कर दो शेयर, हाल फिलहाल में हम थे भाई नवीन जैन के इस देशी हवा महल में, देख लो घुमा के दिखा दे भाई हवा महल, इस देशी हवा महल में बैठे थे और फार्मर प्रोटेस्ट पे
और नवीन जैन की गद्दारी पे किसने जो कर दिया कांड उसके ऊपर अरेश वायल के ऊपर सीधी बात हुई थी। शेयर कर दो भाई वीडियो। हरियाणा के तो गद्दारी कहे लवाए जाएंगे, इतिहास याद रखेगा जो अरेश वायल के खिलाफ बोल रहे हैं। लो भाई इसका भी जवाब दे दिया। मैं तो फिर भी आप लोगों के श्यामी को कह कर दिखाओ किसी ने गद्दार मन तो फिर भी कही थी भाई हरियाणा रुक के मर मर कह लाग रहे हैं लोग। बिल्कुल कमेंट करें रीट भी करेंगे। शेयर कर दो वीडियो ने। राम राम ठोक दे साहब। राम राम भाई। राम राम। राम राम सारे भाई। बेलता रात मत कमेंट करियो काम का किसा ये पिंडी चट चट के उसके चक्कर में चश्मा चट रहा हुआ एक अलग बात है। बाकी ईमानदारी करियो भाई। वैसे गाल भी दे जिसे जिस तरह करनी है कर करेगा भाई। राम राम सारे भैया।